भाई सब एडवांस सर्वर के अंदर हम अपना एक्सपेंशन पैक डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको जा रहा हूँ वीडियो में बताने। भाई सब कमेंट में रेडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रेडीम कोड जल्दी से ले लो। अभी के अभी जाओ, रेडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है, जिससे आप ये अपना एक्सपांशन पैक है जो डाउनलोड सेंटर, इसको अच्छे से पूरा डाउनलोड करके आप ले सकते हो एडवांस सर्वर का मजा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, सुनना, समझना, तभी आप लोग का जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और यहाँ पे वीडियो को लाइक, पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे याद से कर देना। तो भाई सब यहाँ पे आप लोग को पता ही है एडवांस सर्वर के अंदर हम जब गेम प्ले करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे यहाँ पे जो रिवॉर्ड दिया गया है लक रॉयल, जैसे कि यहाँ पे M10 की स्किन है और यहाँ पे आप लोग को लेजेंडरी बंडल मिल रहा है, तो ये सब हम पहन के नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड अगर हम करने जा रहे हैं तो डाउनलोड हो रहा नहीं है। और यहाँ पे ये बंडल बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप लोग आ रहे हो ना डाउनलोड सेंटर पे और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर रहे हो, मैप है, मोड है, तो ये सब तो डाउनलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद भी देख सकते हो यहाँ पे नहीं बचा है डाउनलोड कर। अभी यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ अपने यहाँ पे वॉलेट के अंदर और यहाँ पे जो चीज बची है इसको इक्विप कर, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये सब डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे डाउनलोड तो हमने सब कर लिया है और साथ साथ में ये बंडल को डाउनलोड करने का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो भाई ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसके लिए आप लोग को बता दूं आप लोग को करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बता दूं, जब भी आप लोग एडवांस सर्वर के अंदर गेम प्ले कर रहे हो ना तो यहाँ पे आप लोग को पिंग का इशू आ रहा है, हाई पिंग का, तो इसके लिए आप लोग को एक DNS वाली सेटिंग है वो कर लो। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगा DNS करके, वो लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो सेटिंग करो। मैं अपने जो मोबाइल में सेटिंग करने जा रहा हूं, तो यहां पे मैं अपने मोबाइल के सेटिंग में आ जाता हूं और सेटिंग में जैसे आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च वाला जो ऑप्शन दिखेगा सबके मोबाइल में, देखो सर्च वाला ऑप्शन होता है, इस पे आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्च बॉक्स पे क्लिक करके, यहाँ पे आपको DNS, जैसे आप DNS टाइप करोगे और सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा प्राइवेट DNS करके, इस पे आपको क्लिक कर देना। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेट DNS दिखेगा और यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस टाइप का कुछ इंटरफेस, तो यहाँ पे ये ऑफ रहेगा। अगर जिसका भी कुछ और डाला है DNS तो आपको बता दूं कमेंट में मैंने DNS करके लिंक दिया है, आप लोग को ना तीनों में से कोई भी एक DNS यूज करना है, देख सकते हो DNS 1, DNS 2, DNS 3 करके, DNS वाले लिंक पे क्लिक करके आप आओगे तो ये वाले पेज पे आ जाओगे। तो तीनों में से एक एक करके आप DNS यूज करना, देखो सबका मोबाइल के हिसाब से है, ये जो है ना सबसे पहले आप प्रीफर करना DNS 1, तो इस पे क्लिक करके ये प्रोसेस आ रहा है ये कंप्लीट करके, यहाँ पे DNS 1 के नीचे ये जो टेक्स्ट लिखा है ना इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको कर लेना है कॉपी। जैसे इसको कॉपी करोगे तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पे आना है और सेटिंग में आके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना और सर्च पे क्लिक करके DNS, और DNS पे आने के बाद यहाँ पे प्राइवेट DNS दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्राइवेट DNS पे आके आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ प्राइवेट DNS प्रोवाइडर, इस पे क्लिक करके आप लोग को जो भी डाला होगा उसको पूरा डिलीट कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ पहले से डाला है तो भाई उसको डिलीट कर लेना है याद से, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और जो आप पेस्ट करोगे देखना कहीं पीछे कुछ डॉट वॉट या स्पेस तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का सेव बटन मेरा नहीं चालू है, तो एक बार कट करना फिर दूसरी बार कट करना है तो यहाँ पे सेव वाला वो ऑप्शन आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं सेव करूंगा और ये वाला सेव हो गया है। तो भाई सब ये DNS वाली जो सेटिंग मैंने बताया है ना ये कर लो, और इससे ना यहाँ पे आप लोग का जो हाई पिंग का इशू हो रहा है वो सही हो जाएगा। लेकिन जो मैंने DNS आपको बताया DNS 1, 2, 3 तीनों आप लोग इस्तेमाल करना। और चलो ये तो बात हो गई हमारे हाई पिंग के बारे में, लेकिन भाई सब यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड वाला प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, यहाँ पे आप लोग स्टोर के अंदर जाते हो कुछ भी बाय करते हो तो यहाँ पे आप लोग को वो सब यहाँ पे दिखाता नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये सब तो बाय कर सकते हो, ये सब दिखाएगा, जैसे ये कुछ आइटम्स है जो कि बाय करने पे हमको नहीं दिखाता है गेम के अंदर भी, क्योंकि भाई सब यहाँ पे जो आप लोग को कुछ रिवॉर्ड्स जो देखने मिल रहा है वो यहाँ पे पहले से इनबिल्ड अंदर से डाउनलोड किया गया है फ्री फायर की ओर से, उसे हम लोग को डाउनलोड नहीं करना है। और जो बहुत सारे हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं और बहुत सारी चीजें जो लॉबी के अंदर हमें नहीं दिखाता है वो भाई सब प्रॉब्लम इसके लिए है क्योंकि हमारा जो एडवांस सर्वर है वो खुद ही 1 GB का है। अगर यहाँ पे कॉस्ट्यूम पैक भी देगा डाउनलोड करने तो यहाँ पे हमारा मोबाइल हो जाएगा फुल, क्योंकि आप लोग को पता ही है हमने फ्री फायर मैक्स पहले ही से रखा है और एडवांस सर्वर डाल देंगे और उसको भी पूरा फुल कर देंगे तो भाई यहाँ पे हमारा मोबाइल फुल हो जाएगा और फिर आप चाहे फ्री फायर में खेलो चाहे एडवांस सर्वर में खेलो तो आपका गेम लैग होगा। तो फ्री फायर इसके लिए नहीं चाहता है कि भाई साहब यहाँ पे आप लोग का मोबाइल लैग करे, और जिससे आप लोग सोचोगे यार यहाँ पे गेम लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा फुल हो जाएगा और इसी
इसी के कारण यहाँ पे लिमिटेड चीजें दे रहा है। और भाई यहाँ पे आपको बता दूं, एडवांस सर्वर 10 दिन के लिए आता है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट फ्री फायर की जैसा है कि आप इसको हमेशा खेलते रहोगे, नहीं, सिर्फ 10 दिन के लिए। अगर आप यहाँ पे इवेंट वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को बता भी रहा है ये 6 दिन और बाकी है, मतलब 6 दिन के बाद हमारा एडवांस सर्वर है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा और 6 दिन के बाद आपको एडवांस सर्वर का मजा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये क्लियर कर दूं, 6 दिन के बाद 31 मई को हमारा अपडेट आने वाला है गेम का, और वो गेम के अंदर ये जो सब चीजें देख रहे हो ना, पूरा चेंजेस किया गया है, नया मोड ऐड किया गया है और यहाँ पे नए कैरेक्टर आ रहे हैं हमारे गेम के अंदर, वो सब आपको देखने मिलने वाला अपडेट के बाद। तो ये सब इवेंट के अंदर आप लोग को देखने मिलने वाला है। तो इसके लिए एडवांस सर्वर आता है कि यहाँ पे आप लोग टेस्ट करो कि कुछ बग्स है, कुछ ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कि अपडेट देने से पहले पहले फ्री फायर उसको सही करके हम लोगों को अपडेट दे। तो ये सिर्फ 10 दिन के लिए आता है एडवांस सर्वर, और कुछ लोगों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो जैसे आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अपना एडवांस सर्वर में आईडी बनाने के लिए, लेकिन उनका आईडी नहीं बन रहा है। तो अगर आप लोग को बनाना है तो कमेंट में मैंने लिंक दिया है न्यू एडवांस सर्वर करके, वो लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख लो कैसे आप लोग एडवांस सर्वर की आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया है कि ये जो डाउनलोड सेंटर है, अगर इसको डाउनलोड भी कर लेते हो तो भी यहाँ पे आप लोग को कॉस्ट्यूम ये सब देखने नहीं मिलता है, क्योंकि ये भाई लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसके लिए आप लोग का स्टोरेज ना बढ़े ज्यादा, फ्री फायर ये सब आप लोग को डाउनलोड करने नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का ये जो डाउट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया है। कुछ भी करो भाई, डाउनलोड नहीं होने वाला है, चाहे आप दिन भर पूरे वीडियो देखते रहो, भाई कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकता, क्योंकि फ्री फायर आप लोग का स्टोरेज फुल नहीं करना चाहता है। अभी आप बोलोगे मेरा स्टोरेज तो बहुत ज्यादा है, 128 GB 256 GB, तो भाई वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्टोरेज कम होता है, 64 GB होता है या 32 GB या 16 GB, तो फ्री फायर नहीं चाहता कि उनका स्टोरेज फुल हो। और कमेंट में मैंने गूगल प्ले का रिडीम कोड दिया है, फ्री में जाके आप लोग ले लो, मेरे हर एक वीडियो में से मिलता है, कमेंट में रिडीम कोड का लिंक है, जाके लूट लो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे याद से कर देना। और अगर आपको हाई पिंग का इशू आ रहा है तो DNS की सेटिंग मैंने दे दिया है, जिससे हाई पिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा।